अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम तैयारी कर ली होगी और अभी कर रहे होंगे। अभी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद सिर्फ आप लोगों को दो बातें बताना है। आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी मैं वेस्ट नहीं करूँगा। दो बातें हैं, एक बात आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के दौरान हेल्प कर रही होगी जब आप अपना पेपर कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ आपको बोर्ड एग्ज़ाम से भी पहले हेल्प कर रही होगी। तो इन दोनों बातों को जल्दी से आप लोगों ने सुनना है। पहली बात वो ये है कि आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। आपने पूरा साल पढ़ा है और उस पूरे साल की मेहनत का जो सम है वो आपको आज के दिन या कल के दिन जब भी आपका एग्ज़ाम है आपको मिलने वाला है। सो अपने आप को रिलैक्स करना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़े बड़े लोगों को गिरा कर रख देती है या हिला कर रख देती है। सो आप तो अभी 10th और 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी क्लास में देख रहे हैं, सो आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है, जब तक आपकी जो बॉडी होगी वो रिलैक्स नहीं रहेगी तब तक आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपना मैक्सिमम इनपुट लगा कर नहीं आ सकते। सो वो मैक्सिमम इनपुट लगाने के लिए, 100% इनपुट लगाने के लिए आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना पड़ेगा। एक नेचुरल सी चीज़ है, जब आप अपने बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपका वो पहला MCQ जो आप फिल करेंगे बबल, उसमें आपके हाथ ज़रूर कांपेंगे, क्योंकि इसमें कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके हाथ ना कांपे हों अपना पहला MCQ सॉल्व करने के लिए। आप भी उनमें से शामिल होंगे, लेकिन जिस पॉइंट पर आपको ऐसा लगे कि आप नर्वस हो रहे हैं या आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है, टेंस हो रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो अपना पेपर खराब करने से बेहतर है कि उस टाइम कुछ सेकंड्स के लिए अपना पेन और अपना पेपर थोड़ी देर के लिए छोड़ें, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें और एक लंबा सा सांस लें। इतना लंबा सांस लें कि आपकी पूरी बॉडी एक बिल्कुल ऐसे शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, और फिर आप दोबारा अपने उस जर्नी को स्टार्ट करें, उस इनपुट लगाने को स्टार्ट करें, मेहनत को स्टार्ट करें। फिर जब दोबारा आप प्रेशराइज हों, टाइम का प्रेशर होगा या एग्जामिनर का प्रेशर या पेपर प्रेशर होगा, फिर आपने कुछ सेकेंड के लिए रिलैक्स होना है। सिर्फ मकसद इस चीज़ के लिए है कि जिस बॉडी ने ये काम करने हैं, पेपर देना है, वो बॉडी खुश होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए, और इस बात से बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि आप टेंशन में आ रहे हैं या आप नर्वस हो रहे हैं तो आपका पेपर पता नहीं कैसा होगा। इस चीज की गारंटी है, ये फैक्ट है कि ये पेपर आपका आज तक का सबसे बेहतरीन पेपर होगा अगर आपने 100% ईमानदारी के साथ मेहनत की है। सो इस चीज से आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। ये अभी उस एग्जाम का स्टार्ट है जो कि आपने आबाद वाले टाइम में देने हैं, ठीक है। ये तो अभी पहली सीढ़ी है, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे तरीके से अबूद करेंगे तो आपके लिए बाकी सीढ़ियां आसान हो जाएंगी, लेकिन डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम है, गुजर जाएगा। और जो दूसरी चीज़, जो दूसरी बात आप लोगों से करनी है वो ये है, जो कोई आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप लोगों की हेल्प कर रही होगी, वो है कि अपने लिए अब कभी भी दुआ करना नहीं भूलना, ठीक है। जब भी आपने पेपर स्टार्ट करना है, सबसे पहले अपने लिए, अपने पेपर के लिए दुआ करनी है, क्योंकि जब तक आप अल्लाह ताला को अपने उस काम में शामिल नहीं करेंगे तब तक वो काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पेपर स्टार्ट होने से पहले अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपने लिए और आपके आसपास जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं, जो कि क्योंकि ऑलमोस्ट 22 लाख, मोर देन 22 लाख बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, और जो कामयाबी होती है वो 22 लाख में से चंद लोगों के हिस्से में आती है, लेकिन आपने दुआ अपने समेत हर एक के लिए करनी है, क्योंकि क्या पता वो उस दुआ के साथ ही आपका पेपर भी बहुत आउट क्लास हो जाए। सो दुआ आप लोगों ने अपने लिए भी करनी है और उन बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए करनी है जो कि आज के दिन अपने सारा साल की मेहनत का आउटपुट लेने के लिए आए हैं। सो ये दो बातें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के दौरान और उससे पहले इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। और नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा सा एग्ज़ाम है अगर आप लोग बाद की लाइफ को देखें। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है इस चीज़ की, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और आप लोग अभी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से कुछ आधा घंटा पहले अपने किताबें थोड़ी देर के लिए छोड़कर अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को थोड़ा सा डिटर्मिनाइज करें कि हाँ तुम कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप लोगों की अगले पेपर्स के लिए वीडियोस आने वाली हैं, तो आप लोग अपना ये पेपर देकर आकर जरूर चैनल को विजिट कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि वो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपने बोर्ड एग्जाम में अपना मैक्सिमम परफॉर्म कर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या अल्लाह हाफिज़।